दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है 8 लोकसभाओं का, उसमें से हम कुछ सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसमें से आज हमने सबसे पहले बिजनौर ज़िले की नगीना लोकसभा क्षेत्र को विश्लेषण के लिए चुना है। आप जानते हैं कि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी से संबंधित रहा है। 1989 में वो इसी ज़िले से लोकसभा का इलेक्शन जीत करके लोकसभा में पहुंची थी, इसलिए ये क्षेत्र सुरक्षित होने के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण इस बार माना जा रहा है। लोगों ने कयास लगाए हुए हैं कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह इस नगीना क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए ये नगीना जो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि यह सीट किसके फेवर में जा सकती है। इस सीट पर जो सिटिंग एमपी हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में चिकित्सा के मंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने पिछली बार पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और वो उससे पहले लोकदल में भी रह चुके हैं, तो वो यहाँ से फिर से दोबारा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनको भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है। दूसरी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी यहाँ से लड़ रही है और उनकी जो कैंडिडेट हैं श्रीमती ओमवती हैं, जो पहले भी यहाँ से दो बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं और उनका भी काफ़ी यहाँ प्रभाव माना जाता है। तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं वो श्री गिरीश चंद जी हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। महत्वपूर्ण चीज़ देखने की यह है कि ये तीनों ही कैंडिडेट एक ही बिरादरी के हैं, अनुसूचित जाति में, और एक बिरादरी के होने के कारण सजाति वोट इसमें से कौन सबसे ज़्यादा ले पाता है तो वो तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि जो इनके नेता हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। क्या इनका सजाति कैंडिडेट राहुल गांधी को वोट देगा जो ओमवती के नेता हैं, क्या इनका सजाति कैंडिडेट नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह को वोट देगा जो यशवंत सिंह के नेता हैं, या फिर इनका सजाती वोट गिरीश चंद जी को वोट देगा जिसकी नेता बहन मायावती जी हैं। तो ये बात तो यहाँ पर डिसाइड हो जाती है कि इसका जो बल्क वोट है अनुसूचित जाति का वो गिरीश चंद के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये वोट है कितना है इनका सजाती, ये 3,26,000 वोट है जो इनका सजाती वोट है, तो इसमें से ज़्यादातर वोट जो है 70% वोट ये गिरीश चंद जी के फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और टोटल यहाँ पर वोट है वो 16,00,000 वोट है पूरे इसका लोकसभा का। 16,00,000 वोट में से इसमें से 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें नजीबाबाद विधानसभा है,
नगीना विधानसभा है, धामपुर विधानसभा है और नेहटोर विधानसभा है और नूरपुर विधानसभा है। आपने नूरपुर का रिजल्ट देखा होगा, जब कैराना का इलेक्शन हुआ था बाई इलेक्शन, उस समय नूरपुर का विधानसभा का इलेक्शन भी हुआ था, तो नूरपुर की सीट विधानसभा में जो है उन्होंने गठबंधन ने जीती थी। तो इस बार आपको ये भी पता है कि इस समय खाली बसपा नहीं लड़ रही है, इस समय बसपा के साथ में सपा भी है और राष्ट्रीय लोकदल भी है। तो राष्ट्रीय लोकदल का इनका, अगर आपको पता है सपा का जो मुस्लिम वोट जो है ज़्यादातर सपा के साथ था पिछली बार, और इस बार जो है सपा उसके साथ में है, तो 6.25 मतलब 6.25 लाख वोट, 6.25 लाख वोट अकेले मुस्लिम बिरादरी का है तो अनुसूचित जाति की सीट, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है यहाँ मुस्लिम बिरादरी का है, जो 6.25 लाख है। ये भाग्य का फैसला करेगा किसके साथ मतलब जाना है। और 3.25 लाख वोट जो है SC का है, तो ये मिलकर के कितना हो जाता है, 9.5 लाख। और 9.5 लाख में से आपका जो सैनी है वो 96,000 हैं और जो जाट हैं वो 80,000 हैं। आपको पता है कि हरिद्वार की सीट से सैनी समाज के कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी ने वोट दिया है, तो ये सीट मतलब चूँकि उससे उत्तराखंड से लगती हुई है, तो सैनी समाज भी इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे वोट दे सकता है। वैसे तो परंपरागत रूप से ये वोट भाजपा का रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये वोट इस बार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वोट और जाट वोट जो है, ये दोनों वोट अगर इनको मिल जाते हैं तो ये 9.5 लाख वोट में से और ज़्यादा इजाफा करेंगे। तो इस तरह से ये वोट है आपको 16 लाख में से 9.5 और 10 लाख के करीब इनके फेवर में वोट जा रहा है, जिसमें से आपने देखा होगा कि यहाँ पे मतदान भी इधर नगीना में अच्छा हुआ है, बाकी जगह कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतदान अच्छा हुआ है। ये जो अच्छा मतदान है नगीना वो इनके फेवर में जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंतर से, करीब 1 और 2 लाख के अंतर से ये जो गठबंधन का कैंडिडेट हैं गिरीश चंद जी, वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये जो सुरक्षित सीट है जो जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जो जो बहुजन समाज पार्टी जो सुरक्षित सीटें नहीं जीत पाती थी, इस बार गठबंधन होने के कारण सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीटें उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ही जीतती हुई नज़र आ रही है, उसमें से नगीना सीट भी एक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।